अब इनके पेट में दर्द हो गया, जब जवाब दे रहे होते तो पेट में दर्द हो जाता है, अक्सर काम ना करने की वजह से पेट में दर्द होता है। तो उसमें जो भी हमने शहर के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की है, और मेयर साहब को जो भी कमियां हैं, जैसा कि अभी ज़्यादातर तो ये निकासी का मुद्दा है क्योंकि बरसात का सीजन शुरू है और लोगों के अंदर जिन कॉलोनियों में पानी आता है वो बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो इसी में ही हमने सारी कार्रवाई के लिए नगर निगम में ये आज चर्चा का ज़्यादा विषय था। और जो भी अधिकारी इसमें आराम से बैठे हुए सोच रहे हैं कि कब बारिश आएगी कब बारिश आएगी, उनको ये अवगत कराया कि इस बारिश में आपका शहर डूबने जा रहा है, तो इसमें कुछ आप पहले ही विचार कीजिए। सर ये है कि अधिकारी तो कभी भी काम करना चाहता ही नहीं है, परंतु हम लोगों क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात को ही हम लोग इन अधिकारियों को पहुँचाते हैं, तो हम इसीलिए ही वहाँ पर इस चर्चा का विषय इसको हम अपने रूप में या हम लोगों को शिकायतों को लेकर इनको बार बार कहते हैं कि हमारा काम करो हमारा काम करो, इसीलिए ही हमारी हाउस की मीटिंग होती है। तो निंदा प्रस्ताव जो एक पारित होने वाला था, परंतु कुछ कारणों से उनको अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर अभी एक चांस दे दिया जाता है कि अगर निंदा प्रस्ताव आ गया तो इनके लिए बड़ा ही अपने आप को बचाना या चार्जशीट होना स्वाभाविक है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हमने अधिकारियों को ये कहा है कि अगर आप सही कार्य नहीं करोगे तो आगामी बैठक में हम इसमें निंदा प्रस्ताव जो भी विभाग काम नहीं करेगा उसमें 100% निंदा प्रस्ताव रहेगा। बिल्कुल ये इस मामले में मैं सरेआम ये बात कहता हूँ कि जिस हिसाब से प्रशासन का ढुलमिल रवैया है और हमारे यहाँ के जो चुने हुए विधायक साहब हैं या मेयर साहब हैं या अन्य जो भी हैं, ये सच्चाई में है कि ये जैसे ही बरसात आएगी ये शहर आपको त्राहिमा करता नजर आएगा। आपको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप भी देखेंगे तस्वीर इस फुहारे चौक पर, जबकि आपको नौबत आ जाएगी कि आप कश्ती लेकर जाओ। पार्षद की तो इन्होंने अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, ये ऐसा एक अभी एक मैं तो इसको कहूँगा कि एक गलत निर्णय लिया गया है जिसमें कि मतलब एक चुनाव जो है मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट हो गया, इसमें पार्षद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है और अधिकारियों ने तो बिल्कुल 2019 में और कंप्लीट दिखा रखा, अभी स्नैप दिखाऊं इसकी मंगवा के, ये काम खत्म पैसा हजम है ना। वार्ड नंबर 7 कहाँ है? वार्ड नंबर 7 अब कुछ नहीं है, ये सारा काम कुछ नहीं है। ये देखो आप, और पहले तो मुझको लिख के दो जिसने भी ये करा ना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं नाम लेता किसी का, मैं कहा इसको भी आराम से बैठा दो, नहीं कहीं मुंह मारना तो उसको आराम से अपने पास बैठाओ, तू फ्री की तनखा है, तू बेटर है, तूने कोई काम नहीं करना, कहीं वार्ड में जाना कहीं नहीं जाना। बताओ भी सर क्या करना चाहिए जब उसकी रद्द करने के लिए होती है मेयर साहब ने, क्यों नहीं कार्रवाई उसमें? 18 नंबर वार्ड, एक मिनट, औरंगाबाद 18 नंबर वार्ड, राजकुमार सन ऑफ राम सिंह, इस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया, इसकी ग्रांट जानी थी बेबी को, इसकी वाइफ को, और उसकी ग्रांट दे दी किरण को, 1,00,000 रुपए ऑलरेडी चला गया उसके बाद।